ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में उतरने वाली है। वो बात अलग है कि अभी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। हाल ही में अल्लू अर्जुन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2024 में इंडिया की ओर से गए थे। वहाँ उन्होंने पुष्पा के सीक्वल को लेकर बात की, लगभग कन्फर्म भी कर दिया कि फिल्म का तीसरा पार्ट भी आ सकता है। इसे लेकर उन्होंने कहा, आप पूरी तरह से तीसरे पार्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इसे एक फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं और आगे के लाइनअप के लिए हमारे पास कुछ तगड़े आइडियाज भी हैं। बाकी पुष्पा 2 में उन्होंने अपने किरदार को लेकर बताया, पुष्पा 1 में आपने जिस रंग में पुष्पा को देखा, पुष्पा 2 में वो बिल्कुल उससे अलग रंग में नजर आएगा, क्योंकि अब तक आपने उसके चरित्र चित्रण का निचला स्तर देखा है, अब आप उसके कैरेक्टराइजेशन का हाई स्पेक्ट्रम देखेंगे। पुष्पा 2 में आप उसे हाई नोट पर देखेंगे, आप उसे चरित्र चित्रण के संदर्भ में बड़े स्केल पर देखेंगे। पुष्पा 1 के मुकाबले उसकी समस्याओं का स्तर भी बढ़ने वाला है, उसके चरित्र को आप बिल्कुल नए आयाम में देखेंगे। कुछ दिन पहले पुष्पा 2 के सेट से अल्लू अर्जुन की एक फोटो लीक हुई थी, वहां वो साड़ी में नजर आ रहे थे। 7 अप्रैल 2023 तारीख को मेकर्स ने पुष्पा 2 से उनका फर्स्ट लुक ड्रॉप किया था। उस पोस्टर में अल्लू अर्जुन नीली साड़ी में नजर आ रहे थे। बताया गया कि इस लुक का कनेक्शन गंगम्मा यात्रा से है। क्या है गंगम्मा यात्रा, अब उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाली गंगम्मा यात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है। कुछ जगह देवी के प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है। 7 में से बीच के 2 दिन में यात्रा निकलती है, जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सजकर उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तभी उसने ऐसा वेश धरा है। पुष्पा 2 को लेकर अलग अलग थ्योरीज बाहर आती रहती हैं। कुछ समय पहले बताया गया कि फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पा राज कुछ जापानी स्मगलर से लड़ेगा। उस सीन के लिए वो जापानी भाषा भी सीख रहे थे। बाकी फिल्म की शूटिंग अभी चल ही रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि मेकर्स रिलीज डेट आगे खिसका देंगे, मगर वो ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहे, बल्कि प्लान है कि जून या जुलाई तक फिल्म पूरी कर ली जाएगी और फिर सीधा अगस्त में फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। प्रमोशन का पूरा काम रिलीज के बाद किया जा सकता है। पुष्पा से जुड़ी और भी नई जानकारी आएगी, वो आपको मिलेगी सिर्फ ललन टॉप सिनेमा पर। सिनेमा से जुड़े और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी यमन ने, शुक्रिया।